हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना जुगाड़ू मित्र। आज हम बात करेंगे बेस्ट 5 फ्लैगशिप फ़ोन्स के बारे में जो अपने सेगमेंट में बेस्ट हैं। शुरुआत करते हैं ASUS ROG Phone 5 से, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 888 5nm प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसमें आपको 6.78 इंच की AMOLED डिस्प्ले जो 144Hz की रिफ्रेशिंग रेट के साथ आपको मिलेगी। आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टिस की प्रोटेक्शन भी मिलती है। ASUS ने इसे स्पेशली गेमिंग के लिए ही बनाया है। इसमें आपको 64MP का प्राइमरी कैमरा, 13MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 5MP का मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको 24MP सेल्फी कैमरा मिलता है। फ़ोन में आपको 6000mAh की बैटरी दी गई है, जिसे ड्यूल बैटरी डिज़ाइन में सेटअप किया गया है। इसी के साथ आपको 65W का चार्जर मिलता है, जो इसकी बैटरी को 52 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। यह मोबाइल आपको 3 वेरिएंट में मिलेगा, 8 128, 12 256 और 16 256 GB। इसकी स्टार्टिंग प्राइस 50,000 रुपये है। सेकंड फ़ोन की बात करें तो वो है iPhone 12 Pro Max, जिसमें आपको A14 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलती है, जो 5nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसमें आपको 6.7 इंच की सुपर रेटिना OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसमें आपको 12MP का मेन कैमरा और 12MP का टेलीफोटो लेंस और 12MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। फ़ोन में आपको 3687mAh की बैटरी मिलती है, जो 20W की चार्जिंग के साथ आती है। वाटर रेजिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपको IP68 की रेटिंग मिल जाती है। इसका स्टार्टिंग प्राइस 1,00,000 रुपये है। नेक्स्ट फ़ोन की बात करें तो वो है सैमसंग का S21 Ultra, जिसमें आपको Zynos 2100 ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसमें आपको 6.8 इंच की AMOLED डिस्प्ले जो 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है। इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टिस की प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसके बैक में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि 8K तक की वीडियो को भी आसानी से शूट कर सकता है। इसका मेन कैमरा आपको 108MP का मिलेगा। फ़ोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, जो 25W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फ़ोन आपको 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ ही मिलेगा। इंडिया में इसका प्राइस 1,00,000 रुपये है। नेक्स्ट फ़ोन की बात करें तो वो है OnePlus का 9 Pro, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 888 ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें आपको हैसलब्लेड के कैमराज दिए गए हैं, जो कि 8K की वीडियो को भी आसानी से शूट कर सकता है। फ़ोन में आपको 6.7 इंच की LTPO Fluid 2 AMOLED डिस्प्ले मिलेगी, जो 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है, जिसकी रिफ्रेशिंग रेट 120Hz है। फ़ोन में आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो 50W का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो इसे 45 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। यह फ़ोन आपको 2 वेरिएंट्स में मिलेगा, 8 128, 12 256 GB। बात करें इसके प्राइसिंग की तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस 70,000 रुपये है। नेक्स्ट फ़ोन की बात करें तो वो है Xiaomi का Mi 11 Ultra, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 888 ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें आपको हरमन और कार्डन के साउंड्स मिलेंगे। रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50MP का मेन कैमरा और 40MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा। साथ ही आपको इसमें IP68 की रेटिंग मिलेगी। इसमें आपको 6.81 इंच की AMOLED 2 डिस्प्ले मिलती है, जो 1700 निट्स की पीक ब्राइटनेस देती है, जिसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन भी मिलती है। फ़ोन में आपको 5000mAh की बैटरी के साथ 67W का टर्बो चार्जर भी मिलता है। फ़ोन के बैक में आपको 1.1 इंच की डिस्प्ले भी मिलती है, जिसमें आपको कॉल नोटिफिकेशन, बैटरी और टाइम एक्सेट्रा देखने को मिलता है। इंडिया में इसका प्राइस 17,000 रुपये तक आपको मिल जाएगा। ओवरऑल बात करें तो S21 Ultra बेस्ट फ़ोन है, बट गेमिंग के लिए आप ROG 5 कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन सा मोबाइल अच्छा लगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।